तो हेलो मेरे भाइयों, कैसे हो तुम सब लोग। और तुम सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि तुम सब लोगों ने मेरा इतना साथ दिया, जिसकी वजह से आज की डेट में मेरे चैनल पर करीबन 28,250 प्लस सब्सक्राइबर हैं। बस अब वो दिन दूर नहीं जब मेरे चैनल पर भी 1 लाख सब्सक्राइबर हो जाएंगे। बाकी आज के इस वीडियो में बात होने वाली डायरेक्टर नितेश तिवारी की फिल्म रामायण को लेकर। ऐसा कोई दिन नहीं है जिस दिन इस फिल्म की कोई नई अपडेट ना आती हो। जब से इस फिल्म को साइन किया गया तब से लेकर आए दिन इस फिल्म की कोई ना कोई नई अपडेट आती रहती है। और इस फिल्म की हाइप सिर्फ इस वजह से बढ़ गई है क्योंकि इसमें रॉकिंग स्टार जस्ट रावण के रोल में नजर आएंगे। और आज की जो अपडेट है वो भी इस फिल्म की कास्ट को लेकर ही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये फिल्म रिलीज होने से पहले ही सोशल मीडिया पर आग लगा देगी। रामायण फिल्म की कास्टिंग इतनी ज्यादा जबरदस्त है जिसकी वजह से फिल्म की डिमांड ऑडियंस को बहुत ज्यादा है। और इसी डिमांड को देखते हुए इस फिल्म के मेकर्स ने एक और अपडेट दी है। इस फिल्म की शूटिंग शुरू हो चुकी है और शूटिंग के दौरान इस फिल्म का एक फोटो बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर। इस फोटो में आप साफ साफ देख सकते हैं कि एक सेट बनाया जा रहा है और इस सेट को कहा जा रहा है कि ये गुरुकुल का सेट है जहां पर गुरु वशिष्ठ जी ने श्री राम जी को शिक्षा दी थी। मतलब रामायण वाली पूरी फीलिंग दिलाकर रहेंगे नितेश कुमार तिवारी जी। और रूमर्स ये भी हैं कि इस फिल्म को हमारे ग्रंथ रामायण से जोड़ने की पूरी कोशिश की जाएगी डायरेक्टर की तरफ से। भाई ज्यादा कोशिश मत कर लेना वरना वो आदि पुरुष वाली फीलिंग आने लगेगी। अब तो डर लगता है कि भाई जब भी कोई फिल्म हमारे रीजन पर बनाई जाती है तो उसमें कुछ ना कुछ ऐसा दिखा दिया जाता है जिसकी वजह से वो फिल्म रद्दी की भाव बिक जाती है, लाइक आदि पुरुष। इस फिल्म के अंदर रणबीर कपूर आपको भगवान राम के रोल में नजर आएंगे और साई पल्लवी माता सीता के रोल में नजर आएंगी। और अगर हम लोग रूमर्स की माने तो ये भी कहा जा रहा है कि इस फिल्म के अंदर हनुमान जी का रोल हम सबके चहेते सनी देओल पाजी करने वाले हैं। अब ये बात मुझे थोड़ी सी हजम नहीं हो रही है कि हनुमान जी का रोल सनी देओल पाजी करेंगे। भाई सोचो तो जरा कैसा होता कि अगर हनुमान जी का रोल जूनियर NTR करते तो मजा ही अलग होता और मजा भी बहुत जबरदस्त आता। लेकिन ठीक है, सनी देओल पाजी की भी बॉडी थोड़ी फिट है, हनुमान जी के रोल में वो भी एकदम फिट लगेंगे। लेकिन ज्यादा अच्छा होता अगर उनकी जगह पर जूनियर NTR हनुमान जी का रोल करते तो। अब जितने भी लोग जूनियर NTR को हनुमान जी के रोल में देखना चाहते हैं वो लोग कमेंट करेंगे। जितने भी लोग हनुमान जी के रोल में सनी देओल पाजी को देखकर खुश है वो लोग वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। और आज की जो सबसे ज्यादा जबरदस्त वाली अपडेट है वो ये है कि इस फिल्म को म्यूजिक देने वाले हैं AR रहमान और उनके साथ होंगे हंस जिमर। ये अपडेट मुझे बहुत ही ज्यादा जबरदस्त लग रही है। मतलब एक तो इस फिल्म की कास्टिंग इतनी ज्यादा तगड़ी थी, उसके बाद इस फिल्म को एक ऐसा बंदा म्यूजिक दे रहा है जिसने इससे पहले द डार्क नाइट, इंसेप्शन, द लॉयन किंग जैसी बड़ी बड़ी फिल्मों को म्यूजिक दिया है। और इस फिल्म को यह भी कहा जा रहा है कि इस फिल्म की जो रिलीज डेट है वो फरवरी या फिर मार्च के महीने में साल 2025 तक रिलीज होगी। मैंने शायद कहा है, कंफर्म नहीं कहा है, ना ही तो ये कोई ऑफिशियल अपडेट हो सकता है इससे पहले भी रिलीज हो या फिर इससे बाद में भी रिलीज हो। अब अगर तुम लोगों को वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन सही लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो और ऐसी बॉलीवुड फिल्मी दुनिया की रेगुलर और सही सही अपडेट जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। और 8 अप्रैल को सभी लोग रेडी रहना क्योंकि 8 अप्रैल को अल्लू अर्जुन की मोस्ट अवॉइटेड फिल्म पुष्पा 2 का टीजर रिलीज होने वाला है। तो असंभव सबको बोलना है। फिर मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में।